अगर पढ़ने लिखने के बाद भी कोई ईमानदार नहीं हो सका, वक्त का पाबंद नहीं हो सका, कमिटेड नहीं हुआ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ कमिटेड नहीं हुआ और कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। उसको आप पढ़ा लिखा नहीं कह सकते, वो जाहिल होगा और वो जाहिल ही रहेगा।